अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है ये बनाना और ईद के कपड़ों पे बना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सबसे पहले हमने ये एक पेस्टिंग पेपर ले लिया है, बुकरम भी बोलते हैं इसको। तो हम इस पर जो है तिरछी लाइनें लगाएंगे और ये हमें रेप डोरी चाहिए, इसलिए हम इसको तिरछे लगाएंगे ताकि हमारे पास ये रेप पेस्टिंग पेपर आ जाए। तो ये वन इंच पर मार्किंग करते जाना है आपने, ताकि एक जैसी बिल्कुल डोरियां बने। और हमने इस तरह लाइन लगा के फिर हमने बिल्कुल वन इंच की चौड़ाई पे जो है डोरियां काटनी है सारी। इस तरह ये देखें, सारी लाइनें हमने ड्रॉ कर लेनी है। डिज़ाइन को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सही से इसकी समझ आ जाएगी। ये तो अब हमने इनको अलग काट लेना है। तो ये जो हमने ड्रा किया लाइन, हमने बिल्कुल उसी पे इसको काट लेना है। इनको इस तरह काट के हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। जी तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। जो छोटी थी उनको मैंने इस तरह स्लाइस से मिला के बड़ा कर लिया है, ताकि हमारे पास बुकरम जो है वेस्ट ना हो। और अपने हमने इसको अलहदा कर लेना है। थोड़ा थोड़ा आपने कपड़ा छोड़ देना है, सिलाई का मार्जिन जो है वो हमने छोड़ते जाना है। ये तो अब ये देखें, अब हमने इसको फोल्ड करना है। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से फोल्ड करके फिर उसको हमने दोनों को इस तरह फोल्ड कर देना है, ताकि दोनों एंड से अंदर चले जाएं, ये बारीक सी एक डोरी हमारे पास आ जाए। और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने जो है सिलाई लगा देनी है। इस तरह हमने साथ साथ इसको फोल्ड करते जाना है, बहुत ईजीली ये फोल्ड हो जाएगा। और साथ साथ हमने इस पर सिलाई लगाते जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिल जाए। जी तो ये देखिए, हमने इस तरह एक स्केच ड्रॉ कर लिया है पेपर पे। और ये जो हमने डोरी थी इसको हमने अच्छे से पानी लगा लेना है और फिर हमने इस्त्री से इस तरह इसको शेप दे देना है। उसी स्केच पर रख के हमने इसको शेप देते जाना है। ये बहुत ईजीली इसको शेप आ जाएगी, क्योंकि हमने ये रेप बनाई थी, तो इसलिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इसको शेप देने में। लेकिन आपने इसको अच्छे से पानी लगा लेना है शेप देने से पहले ना, तो फिर ये आसानी से आपकी शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। ये तो हमने इसको इस तरह गुलाई में घुमाते जाना है और इस तरह इसको शेप देते जाना है। ये आप अपने स्लीव्स पे भी बना सकती हैं, अपने दामन पे भी बना सकती हैं डिज़ाइन, ये बहुत अच्छा लगेगा। और कैपरी पे भी बना हुआ ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के फ्रॉक्स पे भी ये बाल स्लीव्स वगैरह पे बना सकती हैं आप। मैंने कितने सारे बना लिए। अभी मैंने एक पेपर ले लिया जिसकी विथ मैंने 3.5 इंचेस ली है और इसकी जो लेंथ ली है मैंने 14 इंचेस ली है। मैंने अपने स्लीव के अकॉर्डिंग लिया, अपने दामन पे बनाना है तो सारी बात आप ज़्यादा लेंगी। तो ये देखिए, इस तरह जो हमने शेप्स बनाई थी, अब हमने उसको रख के इस तरह इस पर सिलाई लगा देनी है। ये सब हमने पूरा डिज़ाइन इस पर एक दफ़ा पेपर पर रेडी कर लेना है। पेपर पे रेडी करने से ये होता है कि उसके बाद जब हम अटैच करेंगे अपने स्लीव के साथ तो हमें आसानी होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसको आपने साथ साथ सेट करते जाना है। अगर शेप कहीं से बड़ी या छोटी है तो आपने उसको सिलाई में इस तरह सेट करते जाना है साथ साथ। ये देखिए, अब हमने स्लीव ले लिया, अब हम इसको उल्टा रखेंगे स्लीव के ऊपर और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह हम इसका पेपर जो है वो रिमूव कर देंगे। अब इसके अंडर एप्लिक के लिए मैंने जो है वो कपड़ा ले लिया। ये मैंने अंडर एप्लिक इसके नीचे रख के इस तरह ऊपर मैं इसकी लेस लगा रही हूँ। अगर आप बॉर्डर है आपके शर्ट पे या आपके स्लीव्स पे तो आप ये लेस ना लगाइएगा। मेरे क्योंकि बॉर्डर वगैरह नहीं था तो इसलिए मुझे ये लेस अच्छी लग रही थी, इस पर लग भी मैंने इसके साथ ये लेस अटैच कर ली है। ये देखिए, हमारा नीचे से अंडर एप्लिक भी है। इसको हम इस तरह फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, तिरपाई भी कर सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो। ये मैंने एक सुई में धागा डाल लिया। ये जो हमने लूप्स बनाए थे, ये सारे लूप्स को हम इस तरह नीचे वाली साइड से उल्टी जो साइड है उससे हमने इस तरह इसको टांके लगा के सबको अटैच कर देना है, ताकि ये अलहदा अलहदा ना हो। इस तरह हमने सारे अटैच कर देने हैं। ये देखिए, ये अटैच हो गया है, बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा बना। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ये देखिए कितना खूबसूरत ये हमारे स्लीव्स पे लग रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।